पेपर लीक मामले में तीन पत्रकार पहुंचे न्यायालय। पेशी के दौरान डीएम के खिलाफ फिर लगा नारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर बलिया से। पेपर लीक मामले में 30 मार्च से तीन पत्रकार जेल में हैं। वहीं जिले के पत्रकारों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सोमवार को पत्रकार क्रमिक अनशन पर भी बैठे। आज मंगलवार को एमएलसी चुनाव के मतगणना को लेकर अनशन स्थगित रहा, लेकिन बुधवार से डीएम कार्यालय पर क्रमिक अनशन जारी रहेगा। मंगलवार को जेल में बंद तीनों पत्रकारों की पेशी हुई, जहां पत्रकार दिग्विजय सिंह ने डीएम के खिलाफ नारा लगाना शुरू कर दिया। पत्रकार दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम अपना धर्म का निर्वहन किए थे। हम लोगों को जो अपने धर्म का निर्वहन किए थे, अपने अखबार को पूरे क्षेत्र में नकलखोर बना दिया, फैला दिया था, और उसको उजागर जब हम लोग किए तो पुलिस के जरिए उत्पीड़न किया और ला करके बंद कर दिया, जेल मुकदमा दर्ज कर। बिल्कुल कर रही है, किंग जोंग बन गए हुए योगी। योगी जो है कि योगी की भूमिका किंग जोंग हो गया है, और कोई नहीं, उस भूमिका नहीं है। कहने को साधु है, संत है, संत नहीं है, बनावटी संत है, ढोंगी संत है योगी। अगर संत की जो नियत होती है, वह नियत योगी में कतई नहीं है, 1% भी नहीं है। बिल्कुल किया जा रहा है। अरे हमें पखाना में बंद किया गया है। हम अपराधी हैं, पखाने में बंद कर रहे हो और करवा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी गवाह हम नहीं बनेंगे। हम क्यों, हम पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार अपना खबर छापेंगे कि जो है कि ना जुल्म करेंगे। सरकार अपने कारगुजारियों को छुपाना चाहती है, भ्रष्टाचार को, काले कारनामों को। वो चाहती है कि हम लोग इस तरह से जो है कि ना दमन कर दे, ताकि दूसरा कोई इस तरह का उजागर ना कर सके। दमन की उसकी नीति चला रही है। और जो अत्याचार हुआ उसको लेकर आज आंदोलन जो है, जन आंदोलन बन चुका है, पूरे देश के पत्रकार एकजुट हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन साथियों को मैं बधाई देता हूं जो इस लड़ाई में जो है कि ना सहभाग कर रहे हैं। वो बहादुर हैं, जो कि जैसे जो है कि ना जोंग किंग जोंग जैसे व्यक्ति से वो डर नहीं रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन में भागीदारी। सीएम योगी को दोषी भी ठहराया, कहा कि योगी जी किंग जोन हो गए। पत्रकार अजीत ओझा ने कहा कि पत्रकारों को उनके धर्म का निर्वहन करने से रोका जा रहा है, जबरदस्ती उन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन मुकदमे लादे जा रहे हैं। सरकार प्रताड़ित कर रही है। न्यायपालिका इस देश में है तो भरोसा है, न्याय मिलेगा। अब पत्रकारों को उनके धर्म का निर्वहन करने से रोका जा रहा है, जबरदस्ती उन पे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मुकदमे लादे जा रहे हैं, तीन तीन अलग अलग थानों से। तो ये सरकार एक तरह से पत्रकारों को उत्पीड़ित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, लेकिन न्यायपालिका जब तक इस देश में है तब तक न्याय जरूर मिलेगा, ये भरोसा हम लोगों को है। भारत मीडिया के लिए बलिया से हसन खान की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।